नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के चर्चित स्थल अंक में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं चाबहार बंदरगाह के ऊपर। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये चाबहार बंदरगाह की लोकेशन है। ईरान का चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह हिंद महासागर तक सीधी पहुँच वाला एकमात्र गहरे समुद्र वाला ईरानी बंदरगाह है। यह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के चाबहार शहर में स्थित है। इसके दो बंदरगाह हैं, शाहिद कलांतरी और शाहिद बहेस्ती। यह ऊर्जा से समृद्ध फारस की खाड़ी के देशों के दक्षिणी तट तक पहुंच प्रदान करता है और पाकिस्तान को बाईपास करता है। यह गुजरात में कांडला बंदरगाह से 550 समुद्री मील की दूरी पर सबसे नजदीकी बंदरगाह है। ये कांडला की लोकेशन आप देख रहे हैं। यह रणनीतिक रूप से दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित है। यह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक सीधी समुद्री पहुंच प्रदान करता है। अब बात करते हैं तामजा ब्लू होल की। शोधकर्ताओं ने मेक्सिको में दुनिया के सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है, जिसका नाम तामजा ब्लू होल है। ये इसकी लोकेशन है मेक्सिको के पास। तामजा ब्लू होल नामक स्थान अब दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात पानी के नीचे का सिंक होल है। माप से पता चलता है कि तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट यानी 420 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट से दूर चेतुमल खाड़ी में स्थित सबसे गहरा ब्लू होल पाया गया। अब बात करते हैं माउंट नेमरूट की। यह दक्षिण पूर्वी तुर्की में पूर्वी टॉरस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। इसका नाम बाइबिल के चरित्र राजा निमरोद के नाम पर रखा गया, जो अरब और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच इंटरसेक्शन पर 9672 फीट यानी 2948 मीटर ऊंचा है। यह भूगर्भीय रूप से स्ट्रेटो वॉल्केनो यानी मिश्रित ज्वालामुखी है और आखिरी बार 1650 ईस्वी में फटा था। यह हाइरोथेसियन है, जिसे स्वर्गीय हेलेनिस्टिक राजा एंटियोकस प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है और यह देश के सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्कों में से एक है। अब बात करते हैं मालडोवा की। भारत और मालडोवा ने राजनयिक आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मालडोवा यूरोप के बालकान क्षेत्र के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री यानी स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमा यूक्रेन और रोमानिया से लगती है। इसकी राजधानी चिसिनाउ है। मालडोवा के प्रमुख नदियों की बात करें तो प्रुत नदी, डेनिस्टन नदी, डेन्यूब नदी आदि हैं। यह कार्पेथियन पर्वत के ग्रेट आर के पूरब में स्थित है। इसमें नदियों और नालों का एक सुविकसित नेटवर्क है, जो ब्लैक सी यानी काला सागर तक ले जाता है। मालडोवा ने 1991 में सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। अब बात करते हैं कांवर झील की। कांवर झील की स्थिति खराब होती जा रही है और इसका सूखने वाला एरिया भी बढ़ता जा रहा है। ये इसकी लोकेशन है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से काबर ताल के नाम से जाना जाता है। यह एशिया की सबसे मीठे पानी की ऑक्सबो या गोखुर झील है। यह गंडक, बिया, करेह नदी के संगम से पानी प्राप्त करती है। यह रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय महत्व की राज्य की पहली और एकमात्र वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है। वर्ष 1986 में राज्य सरकार ने इसे प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में अधिसूचित किया। बाद में केंद्र सरकार ने पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए इसे बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया। साथियों, अब इस सेक्शन के MCQ सेक्शन पर हम लोग आ चुके हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मालडोवा के साथ सीमा साझा करता है? पहला स्लोवाकिया, दूसरा रोमानिया, तीसरा यूक्रेन, चौथा पोलैंड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, इस अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और चर्चित स्थलों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।